नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एपी क्लासिक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है और जो वीडियो है वो इस टॉपिक है का नाम है आज भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो हम बात करेंगे कि भाषा शिक्षण में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण जो प्रक्रिया है जिसमें बालकों को शिक्षा दी जाती है, शिक्षण शिक्षण में बालकों की जो रुचियां होती हैं, रुचियां, उनकी प्रवृत्तियां, इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। उनकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, क्षमता होती है, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और आधुनिक विज्ञान की, आधुनिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। किस पर? प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय और बालक दोनों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप विषय से चूक जाएंगे तो भी शिक्षण सही तरीके से नहीं होगा, अगर आप बालक के ऊपर नहीं ध्यान देंगे तब भी शिक्षण अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो विषय और बालक दोनों का ही ध्यान रखना जाना बहुत जरूरी है। अब भाषा शिक्षण की अगर हम बात करें तो कुछ सिद्धांत हैं जिनमें से कुछ हम बताएंगे आपको और उनके ऊपर देखेंगे कि क्या होते हैं, उनका क्या रूपरेखा होती है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सिद्धांत जो निकल के आता है वो है आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत ये है क्या? देखिए, हम आपको बताते हैं। भाषा शिक्षण करते समय भाषा एवं उसकी पठन सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक होता है। भाई, आप कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, उसके अगर बालक के मन में उसके उस विषय के प्रति रुचि नहीं है तो जो शिक्षण कार्य है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम यहां पे बात करें भाषा शिक्षण की, तो भाषा शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको अनेक उपाय करने पड़ते हैं। जैसे आपको बताऊं, जो शिक्षण कुछ मॉडल बनाते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है कि कैसे कैसे इसको सीखा था, ये कैसे होगा, इनको आता है हमको नहीं आता, ऐसा क्यों। बच्चों को कविताएं सुनाई जाती हैं, उनको कविताएं याद कराई जाती, कंठस्थ कराई जाती हैं ताकि उनको जो है आगे शिक्षण में और प्रेरणा मिल सके। भाषा की जो है अंताक्षरियां भी कराई जाती हैं, इंग्लिश की भी होती हैं, हिंदी की भी होती हैं, सबकी अंताक्षरियां जो होती हैं वो आपकी कराई जाती हैं कि मिसिंग वर्ड ढूंढिए या कोई गाने का माध्यम लेके, तो उस प्रकार से जो है वो भाषा सीखते हैं। क्योंकि जब भी कंपटीशन होता है, कोई अंताक्षरी होती है, तो जिसमें जो ग्रुप्स बनते हैं या जो व्यक्ति जो जीतता है उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि आत्मगौरव की कहा जाए तो अच्छा लगता है उसको कि हाँ हम जीत गए हैं, तो आगे हम और इस पर मेहनत करेंगे। तो ये होता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। दूसरा जो आपका आता है वो है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत ये क्या कहता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि हर बालक क्रियाशील होता है, सभी बच्चे जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। बस इस भाषा की जो शिक्षा है उसको सिखाने के समय, उसके शिक्षण के समय क्रियाशील के सिद्धांत को अपनाना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रखने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है शिक्षक को? जैसे प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछा जाता है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, प्रश्न पूछना, स्कूल में साहित्यिक प्रोग्राम चलाना, उसमें बच्चों को क्रियाशीलता रखना सिखाया जाता है कि मतलब उनको इंगेज किया जाता है, कैसे उनमें वो लोग पार्टिसिपेट करें, पाठों का अभ्यास कराना,
मौखिक एवं लिखित कार्य कराना आदि कार्य अपनाए जा सकते हैं। इससे होता क्या है, छात्रों की जो है वो अध्ययन में रुचि बढ़ती है। जब उनको कोई काम उसके सब्जेक्ट संबंधित उससे कोई कार्य कराया जाता है तो उससे उनकी क्या होती है, रुचि बढ़ती है। और जब रुचि बढ़ती है तो कक्षा का जो वातावरण है, जो शिक्षण का जो वातावरण है, वो गतिशील होता है। तो ये होता है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा जो है वो है अभ्यास का सिद्धांत। क्या? अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है? अभ्यास के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पाठ जो है जितनी तेजी से बालक याद करते हैं उससे तीव्रतर गति से विस्मृत भी करते हैं। मतलब कोई चीज जितनी गति से की जाती है उसका उल्टा भी उतनी गति से होता है। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि जितनी तेजी से आदमी ऊपर की ओर बढ़ता है उसकी दुगनी तेजी से मनुष्य जमीन की ओर गिरता है। तो यही है अभ्यास का सिद्धांत। मतलब आपने बच्चों को कंठस्थ तो करा दिया, जितनी स्पीड से उन्होंने लर्न किया उतनी जल्दी से वो भूलेंगे भी। तो भूलने से बचाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको अभ्यास कराना पड़ेगा। तो इसीलिए अभ्यास का सिद्धांत बहुत ही आवश्यक होता है। और अभ्यास जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना वो नहीं भूलेंगे। और इसी भाषा में थार्नडाइक ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थार्नडाइक का स्टेटमेंट है, मैं यहां पे बता देता हूं आपको। थार्नडाइक ने कहा था, क्या कहा था, कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास जो है वो अभ्यास पर ही निर्भर रहता है। भाषा एक कौशल है, भाषा जो है वो एक क्या है, कौशल है। भाषा एक कौशल है और इसका जो है वो विकास, विकास जो है वो आपका अभ्यास पर ही निर्भर है। ये थार्नडाइक ने कहा था। चौथा, इसी में आगे एक और सिद्धांत आपका आता है और वो सिद्धांत है आपका जीवन समन्वय का सिद्धांत। क्या? जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय का सिद्धांत ये क्या है, क्या कहता है? देखिए, प्रत्येक जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसका अपना एक संसार होता है। जैसे जैसे वे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे वे अपने ढंग से अपना एक संसार बनाते हैं, उसकी अलग कल्पना करने लगते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने ये भी सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अगर कोई भाषा सिखाई जानी चाहिए तो उनकी मातृभाषा सिखाई जानी चाहिए, ताकि वो जो अपने आसपास पड़ोस में जो बोली बोली जाती है, जो उनकी मातृभाषा है, वो उनके चारों तरफ रहती। इसीलिए यही कहा जाता है। इसलिए अध्यापक को, शिक्षक को चाहिए कि जो वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री चुनता है उसका संबंध जो है उनके जीवन से, जो उदाहरण दें आप वो उनके जीवन से ही दें। पाठ्य पुस्तक की सामग्री का संबंध उनके जीवन से अवश्य जोड़ना चाहिए, अन्यथा वे सीखने में रुचि नहीं लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं साहित्य की, अगर मैं साहित्य की बात कर लेता हूं तो साहित्य के दो काम, दो चीजें होती हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है, होते हैं। अध्यापक को इन चीजों में चाहिए कि गद्य शिक्षण के समय व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान एवं पद्य शिक्षण के समय शब्द शक्ति, शब्द योजना, छंद अलंकार एवं रसों का ज्ञान कराएं। ये होता है जीवन समन्वय का सिद्धांत। मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, उसको वास्तविक जीवन से उनको रिलेट करिए, उनको बताइए कि हाँ ये आपके जीवन से रिलेटेड है। कुछ ऐसे ही उदाहरण आप दीजिए जो उनके जीवन से संबंधित हो। अगला जो सिद्धांत आता है वो है आपका कौन सा, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। ये क्या होता है भाई, जो भाषा शिक्षण है उसका एक उद्देश्य नहीं होता कभी, उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं?
भाई उसमें हमें बच्चों का ज्ञान भी बढ़ाना है, कौशल भी बढ़ाना है, रुचि भी बढ़ानी है, अभिवृत्ति का विकास भी करना है, इन सब का काम, ये सब उद्देश्य जो है वो भाषा शिक्षण के ही होते हैं। और प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। किसी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना अथवा किसी को बिल्कुल ही छोड़ देना ठीक नहीं होता। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना आवश्यक है। पाठ्य सामग्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री की एक रूपरेखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी? एक रूपरेखा होनी चाहिए। ये किस प्रकार की होनी चाहिए और कैसे बच्चों को और ज्यादा इसमें रुचि उत्पन्न की, इस चीज में होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वर्णनात्मक निबंध लिखना सिखाया जाना चाहिए, और उन निबंधों का क्या स्तर हो वो शिक्षण, जैसे मेरा देश, मेरा गांव, मेरा घर, मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरा स्कूल, मेरा अध्यापक, मेरा सहपाठी, इस प्रकार के जो निबंध हैं, जो उनके व्यक्तिगत, जो उनके जीवन से जुड़े हों, उन चीजों को ही आपको उनके दोहराना चाहिए। अब जो शिक्षक होता है उसके द्वारा बच्चों में सौंदर्यानुभूत को जागृत करने का प्रयत्न करना चाहिए, इमेजिनेशन करवाना चाहिए उनको। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक को शिक्षा देने से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुसार ही करना चाहिए। अगर बच्चा छोटी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, तो उसका जो पाठ्य सामग्री है वो भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। सेकंड क्लास में है तो उसके उसके हिसाब से होनी चाहिए। फिफ्थ क्लास में है तो उसके उस हिसाब से होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप फिफ्थ क्लास की सामग्री को आप कक्षा एक के बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला जो सिद्धांत है आपका वो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये क्या कहता है? मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही शिक्षण देना चाहिए। ये मनोविज्ञान कहता है। सभी प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर ही बल दिया है। एक ही कक्षा के छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। जैसे बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन, मतलब अगर कहा जाए तो उच्चारण बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कुछ बच्चे पेन पे अच्छा पकड़ लेते हैं, लिखना जल्दी सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते। तो आपको एक ही परिवेश में रह के उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानना है, और उन पहचानते हुए ही आप उन बच्चों की रुचि और उनका जो विषय है उसको बढ़ावा देना है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यापक को इन सब की व्यक्तिगत विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ये होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है काफी महत्वपूर्ण है, और ये है आपका अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाषा जब भी कोई सिखाई जाती है तो उसके दो काम होते हैं, व्याकरण, उसके नियम, व्याकरण के नियम, और रचनाकार है दो। तो भाषा जो होता है उसके सभी अंगों की जो शिक्षा है वो पूरी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उनको जो उनकी गद्य पद्य है उसने लिखना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, बोल लेता, लेकिन व्याकरण नहीं सिखाया, तो ये चीज गलत है, क्योंकि उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। भाषा सिखाने के लिए केवल व्यावहारिक उद्देश्य के लिए भी बोलकर समझाने, लिखकर समझाने और सुनकर समझाने या पढ़कर समझाने की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं तो भाषा शिक्षण जो होता है उसके दो अंग होते हैं। दो अंग कौन से? पहला होता है ग्रहण, ग्रहण करना, और दूसरा होता है अभिव्यक्ति। क्या ग्रहण किया है उसको अभिव्यक्त कैसे करेगा?
तो ग्रहण में अगर हम बात करें तो दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया भी दो प्रकार की है, दो प्रकार से होती है। कैसे? एक तो आपकी पढ़ने से होती है और दूसरी कितने होती है? सुनने से। उसी प्रकार से अभिव्यक्ति की भी दो प्रकार से होती है, किससे? लिखने से और बोलने से। ठीक है, तो संक्षेप में अगर मैं ये कहूं इस अनुपातोक्रम के सिद्धांत को, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाषा सीखने के जो कुछ नियम होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, वो क्या होते हैं? दूसरों के मुख से सुनकर समझने की योग्यता प्राप्त करना, एक ये उद्देश्य होता है। स्वयं बोलने की भी योग्यता, आपको बहुत कुछ आता है, उस बालक को आपने बहुत कुछ सिखा दिया, लिख लेता है लेकिन किसी के सामने बोल नहीं पाता, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। पुस्तक आदि को पढ़ने और पढ़कर समझने की योग्यता प्राप्त करना, ये भी होता है। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी का पुस्तक पढ़ना, शब्दावली आदि के ज्ञान को अर्जित करना, व्याकरण सीखना और समझने की योग्यता प्राप्त करना, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है भाषा। अगला जो है सिद्धांत, वो है आपका अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? कि बच्चे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि बच्चे वही अनुकरण करते हैं जो वो देखते हैं। मतलब ये कहा जाए कि बच्चे जो हैं अनुकरण करने से बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसा शिक्षक के सामने बोलेगा, लिखेगा और जिस प्रकार से वो उनको अपने विचारों को व्यक्त करेगा, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और वहां से सीखते हैं। तो इसीलिए जो एक शिक्षक है उसको अपने भाषा की बोलचाल में, लिखने में और उसके बच्चों के सामने प्रस्तुत करने के ढंग में क्या ना, एक रुचि होनी चाहिए, एक कलात्मक चीज होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उसका अनुकरण जल्दी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक शिक्षक के लिए। इसलिए कहा जा सकता है और कहा भी जाता है कि शिक्षकों को हमेशा अपने उच्चारण, स्वर, बोलने की गति, लेखन आदि को शुद्ध और स्वच्छ रखने का अध्ययन करना चाहिए। आप बालक को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बालक ही शिक्षा ले रहा है, उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। अगला जो है वो है आपका बोलचाल का सिद्धांत। क्या है? बोल चाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत क्या कहता है? बोलचाल के सिद्धांत की जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि आपने बताया कि जो बालक है वो अनुकरण से सीखता है, तो अनुकरण सबसे ज्यादा कहाँ सीखता है? बोलचाल, जो आसपास जो माहौल में जो सुनता है, बोलता है, उससे बहुत ज्यादा सीखता है। तो इसके बारे में जो है आपका मनोवैज्ञानिक थे कॉकनियस और जेन रॉक। कौन थे? कॉकेनियस और जॉन रॉक। इन्होंने कहा था कि भाषा को सबसे पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अगर ये एग्जाम में आपके पूछा जाए कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ये किसने कहा था, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये कॉकेनियस और जेन रॉक ने कहा था। अब बोलचाल की सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो है कि भाषा का संबंध जो है वो मुख और कान से होता है। भाई, कान से हम सुनते हैं और मुख से बोलते हैं, तो भाषा का संबंध जो है मुख और कान से होता है। इसका अर्थ बोलने एवं सुनने से है। इस कारण बोलचाल भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दूसरा, सबसे ज्यादा जो आप आकर्षित कर सकते हैं बच्चों को, जो उनका जो ध्यान आकर्षित करते हैं, वो बोलचाल की पद्धति से ही बालकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनका ध्यान पाठ में एकत्रित हो जाता है।
तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उपयोगिता है कि बोलचाल के द्वारा अगर भाषा का शिक्षण प्रदान किया जाए तो भाषा सीखने में कम समय लगता है। चौथी उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी जो व्यक्ति जो बालक को आप रट के या उनको कंठस्थ करा के जो उनको सिखाएंगे वो जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितनी गति से जो बच्चा जो है वो याद करता है उसकी दुगनी गति से बच्चा भूलता भी है। लेकिन बोलचाल के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान जल्दी विस्मृत नहीं होता है, वह स्थायी हो जाता है। और बोलचाल से एक और फायदा होता है, क्या होता है कि बोलचाल की पद्धति से छात्रों को अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इससे उनकी सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्तिकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। भाई बालक जो है अगर वो ऐसा तो है नहीं कि छोटा बच्चा है तुरंत अपने किसी बातचीत करेगा तुरंत लेटर लिख के देगा कि भाई सर मुझे गुरु जी मुझे ऐसा करना है, तो क्या करेगा वो बोल चाल से बताएगा। मतलब आपसे बोलेगा कि मान लीजिए आपको अगर वो कहेगा कि भाई मेरे गांव पर एक निबंध लिखना है, तो अगर वो सही तरीके से ग्रामेटिकली नहीं लिख पाता लेकिन वो जब बोलेगा तो जो अब सोच के बोलेगा अपने अपना जो व्यक्तिगत जीवन है उसको जो उसने देखा है उसके आधार पर वो जो बोलेगा उस बोल चाल में जितना वो लर्न कर सकता है सीख सकता है उतना वो लिख कर नहीं कर सकता। तो इसलिए बोल यही है आपका बोलचाल का सिद्धांत। इसीलिए कॉकेनियस और जेनरॉक ने कहा था कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। तीसरा इसके आगे जो है आपका एक और सिद्धांत है वो है आपका चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये क्या कहता है? चयन का सिद्धांत जिस प्रकार से आपको दिख रहा है कि चयन, तो चयन में दो चीजें चयन की जाती हैं कि आपको सबसे पहले तो कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, दूसरा किसकी सहायता से पढ़ाया जाए, किसकी सहायता से कैसे पढ़ाया जाए, मतलब आप किस पद्धति का उपयोग लेंगे, कैसे उनको सिखाएंगे, किस कौन मतलब उनको बोलचाल के माध्यम से सिखाएंगे या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सिखाएंगे, लिख कर सिखाएंगे, बोल कर सिखाएंगे, कैसे पढ़ाया जाए वो चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है कि बच्चों की रुचि कहाँ पर आ रही है, किस चीज से पढ़ाया जाए, मतलब कि केवल आप उनकी किताबों में से पढ़ा दिया या कॉपी में लिख के पढ़ा दिया या उनको एक मॉडल बना के, जैसे आपने कहा कि आपने मान लीजिए एक पद उनको सिखाया कि तितली जो है वो पीले रंग की होती है उड़ती है इस प्रकार से, तो अगर उनको आप जो ग्राउंड में ले जाकर अगर आपको तितली दिख जाती है उनको उस तितली को उड़ते हुए किसी और रंग की या पीले रंग की जो भी तितली है उसको आप दिखाकर वो पोएम उनको उनको अगर याद कराएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो इस चीज का जो है चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है कि क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। तो ये चयन करना और जो पठन सामग्री है और पाठन सामग्री है दोनों का चयन जो करना होता है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो और अधिक वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल एपी क्लासेस को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।